please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के रांची में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम रांची के प्रभात तारा मैदान में होगा, जहां कई लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी चाईबासा मेडिकल कॉलेज और कोडरमा मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी रांची, कोडरमा, चाईबासा और पलामू के लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने न्यूज 18 से कहा कि आयुष्मान भारत से गरीबों को काफी फायदा होगा। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी, हम उनसे बात करेंगे। इस योजना का टारगेट ग्रुप जो है वो झारखंड में कितना है और कौन से लोग हैं? देखिए, आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी भारत के करोड़ों लोग बुनियादी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के करोड़ों लोग जो बुनियादी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, एक अनूठा हेल्थ स्कीम पूरी दुनिया का झारखंड की धरती से, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से लॉन्च कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से झारखंड के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन है। सर, ये जानना चाहिए, क्या आपको इस बात का एहसास था कि झारखंड ही ऐसा राज्य बनेगा जो इस योजना के लिए लॉन्चिंग के लिए उपयुक्त माना जाएगा? देखिए, इस राज्य के स्थापना का श्रेय भारतीय जनता पार्टी और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी को जाते हैं। तो जिस उद्देश्य से देश के राज्य के 3.25 करोड़ जनता के जो सपनों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किए, झारखंड को सजाने और संवारने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सर, जो पैरामीटर्स हैं इसके चयन के लिए लाभुकों के, उसमें कई बार देखा जाता है कि कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ लोग मिसिंग हो जाते हैं। तो जैसे खाद्य सुरक्षा कानून के तहत भी बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए, तो उनको भी इसका लाभ मिले ये आप जरूर चाहेंगे। तो आने वाले समय जब स्कीम लॉन्च होने के बाद भी ये ऑप्शंस खुले रहेंगे कि इसमें वो इंक्लूड होते जाए? निश्चित रूप से इसमें जिनके जिन परिवार के भी राशन कार्ड में नाम जो भी गरीब का, उन परिवार के हर लोग को, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, माता हो, पिता हो, बहन हो, सबको वन टाइम्स पर ईयर 5 लाख का हेल्थ स्कीम रहेंगे। जिनका राशन कार्ड में नाम छुटा हुआ उसको ऑप्शन खुला और राशन कार्ड में नाम लिखाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया है। पेट्रोल के दाम में 17 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल में 10 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया। डीजल के दामों में 3 दिन बाद इजाफा किया गया। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.61 रुपए है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 73.97 रुपए है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग ने आम आदमी की जेबों को झुलसा कर रख दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की कनॉट प्लेस के एक पेट्रोल पंप पर, जहाँ तो एक बार फिर आज पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम जो कल थे वो 82.44 रुपए थे और आज जो है 82.61 रुपए, यानी आज भी 17 पैसों की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल के दामों में। और डीजल के दाम जो कल 73.87 रुपए थे वो आज 73.97 रुपए, यानी 10 पैसे की बढ़ोतरी डीजल के दामों में भी हुई है। हालांकि डीजल के दाम 3 दिन बाद बढ़ाए गए हैं, लेकिन आज डीजल के दामों को भी बढ़ाया गया है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो रोज़ाना पेट्रोल भरवा कर अपने कामों के लिए निकलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या परेशानी हो रही है। सर, रोज़ाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, क्या परेशानी हो रही है? मैम, बजट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। डेली पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा? देश में हर चीज़ नीड पूरी नहीं हो पाती है कस्टमर्स की, जो भी प्रॉब्लम होती है सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या करें। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, रोज़ाना पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत है मैडम, ये अभी आए दिन मतलब डेली मतलब कुछ ना कुछ बढ़ता रहता। पहले ये था कि 3-4 महीने में एक बार बढ़ता था, अभी जो मतलब ये है कि 6 महीने में एक बार बढ़ता था, अभी आए दिन हर 10 दिन 15 दिन बाद ये रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे पब्लिक, आम पब्लिक बहुत परेशान है और मतलब हमें काफ़ी मतलब वो हो रहा है। सर, हिसाब किताब हिल रहा है? जी, हिसाब किताब हिल रहा है आपका? नहीं, हिसाब किताब कहाँ से मिलेगा, जब पेट्रोल का दाम मतलब कि हर चीज़ मेन तो पेट्रोल पर डिपेंड करता है ना, आप तो जानते हैं। पेट्रोल अगर महंगा हो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं,
मतलब यह कि हर आम लाइफ जो जिंदगी हमारी सब लोगों की मतलब दुभर हो रखी है, मतलब जीना बड़ा मुश्किल हो रखा है, बड़ा परेशानी में। तो ये आम आदमी थे जो बता रहे हैं कि जो उनकी आम जिंदगी है वो बिल्कुल ही बदल चुकी है, उनके पूरे बजट जो है वो बिगड़ चुका है। सरकार को इसमें सोचने की ज़रूरत है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम उनको परेशान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ निखत अली, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हरियाणा के फरीदाबाद में गौतस्करी के शक में एक आदमी की पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ित का दावा है कि 19 सितंबर की रात वो ऑफिस से घर लौट रहा था और इसी बीच वो एक गाय को रोटी खिलाने के लिए रास्ते में रुक गया। कुछ ही देर में दो लोग वहां पहुंचे और आरोप है कि खुद को गौरक्षक बताते हुए उन्होंने इस आदमी की पिटाई कर दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नाम पूछा, करे तो मुस्लिम है, मुसलमान है। मैंने वैसे हिंदू, मेरा नाम सोनू प्रताप, पीछे गली में रहता हूँ, जस्ट पास में मेरा घर था। लेकिन उन्होंने सुने नहीं, पीछे से एक बंदा और बाइक पे आया, उसने उसको बताया कि देखिए ये गाय चोरी कर रहा है, मुसलमान है, ऐसा वर्डिंग उसको बोला। फिर उसने मुझे यहाँ पर घुसा मारा मेरे को, और फिर ईंट पत्थर से वो मारते मारते आगे तक मेरी बाइक के पास ले गए। और फिर जब मैंने लास्ट टाइम बोला कि भाई तुम मेरी वीडियो देख ले, मैं ये काम करता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, शूटिंग का काम करता हूँ, छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं हम लोग और रात को कभी लेट जाते हैं, तो ये काम मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी माना नहीं। पूरा मामला ये कंप्लेंट दी थी हमने, बहुत तस्दीक, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बल ने यहां पर एक से दो आतंकियों को घेर रखा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ये मामला है जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और काफी देर से ये मुठभेड़ जारी है, और जिसमें ये खबर सामने आ रही है कि एक से दो आतंकी हो सकते हैं जिनको जो सुरक्षा बल है वो उनको घेरे हुए है। लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने आतंकी हो सकते हैं, लेकिन जो सुरक्षा बल है वो पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है इन आतंकवादियों की तलाश में, और उसी के चलते ये जो पूरा ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर का पुलवामा है जहां पर ये मुठभेड़ अब भी जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़ जारी है। अभी कुछ ही दिन पहले तीन पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों की। बिहार के मुंगेर में एक स्कूल में वहां के प्रभारी शिक्षक पर वक्त भड़क गया, और जब छात्र उनके फॉर्म के लिए वसूली जा रही फीस से जुड़े सवाल कर विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल छात्र स्कूल की तरफ से ली जा रही ज्यादा फीस देने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के घाट पर बने कुछ मंदिर पर पानी में डूब गए। शनिवार सुबह से हो रही लगातार बारिश के बाद शिप्रा नदी के पानी में उफान आ गया, जिसके बाद शिप्रा नदी के किनारे बने रामघाट पर मौजूद एक मंदिर पानी में डूबा नजर आया। हालात ऐसे थे कि मंदिर का छोटा सा ऊपरी हिस्सा ही पानी के बाहर दिख रहा था, जबकि उसके पास मौजूद दो और मंदिर के ऊपरी हिस्से भी बाहर नजर आए। वहीं रामघाट पर सुरक्षा व्यवस्था में लगाए जाने वाले बैरिकेड भी पानी में कुछ फीट तक डूबे दिखे। बताया गया कि मौसम में आए अचानक बदलाव की वजह से शनिवार सुबह से लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से उज्जैन के कई इलाकों में पानी भर गया। रिहायशी इलाकों के साथ दुकानें भी पानी में डूबी नजर आई, जबकि लोग घुटनों तक पानी में डूबकर चलते दिखे। जानकारी के मुताबिक उज्जैन और आसपास के इलाके में मॉनसून फिर से सक्रिय हुआ, जिसके बाद शिप्रा नदी में इतना पानी भर गया कि छोटा पुल पूरी तरह पानी में डूबा दिखा, जबकि बड़े पुल पर भी पानी का स्तर काफी बढ़ा दिखा। हरियाणा के गुहाना में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। अपनी चार मांगों के नहीं माने जाने से नाराज ये लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने के लिए एकजुट हुए। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो हम उसको तथ्य दिखाएंगे कि आप लोगों ने हमारे साथ ये समझौता किया था, हमारी कोई नई मांग नहीं, पहले सरकार इस मांग को पूरी करे उसके बाद भाषणबाजी करे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए वहां पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रूस के कालिनिनग्राद में रूसी सेना के बाल्टिक बेड़े ने एक सैनिक अभ्यास किया। बताया गया कि अभ्यास किसी भी हालात से निपटने में सेना की तैयारी को परखने के लिए किया गया, जिसमें रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया। इस दौरान वायुसेना के जवानों ने लड़ाकू विमान को बेहद कम वक्त में उड़ान भरने और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार करने का अभ्यास किया। जानकारी के मुताबिक रूसी लड़ाकू विमान रूसी वायु सीमा में घुस आए और किसी दुश्मन विमान को पहचानने और उसे मार गिराने का अभ्यास किया। इसके साथ ही दुश्मन पनडुब्बियों को निशाना बनाने और रात में लैंडिंग करने का भी अभ्यास किया।
जिसके लिए दो लड़ाकू विमान आसमान में एक दूसरे के साथ अभ्यास करते नजर आए, जबकि एक दूसरे लड़ाकू विमान इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन यू। शिक्षाविदों से संवाद के दौरान उन्होंने विजय माल्या के देश से भागने के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक बार फिर घेरा। विजय माल्या जी 9000 करोड़ रुपए ले गए और जाने से पहले उन्होंने अरुण जेटली को गुड बाय किया। दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग जगहों से आए करीब 2500 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इसमें कॉलेजों, विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों के लेक्चरर और प्रोफेसर शामिल हुए। शिक्षाविदों से बातचीत में राहुल गांधी ने ये भी दावा किया कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलेगी।